धनु राशि आज का राशिफल यानी कि 26 नवंबर का राशिफल। तो नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है धनु मकर स्पेशल में। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं पूरे विस्तार से आपके आज के दिन के बारे में। दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देखें लास्ट तक, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपके लिए आज का उपाय भी बताऊंगा, जिस उपाय को फॉलो करके आप अपने आज के दिन को अच्छा बना सकते हो। आज तिथि है अमावस्या, नक्षत्र है विशाखा, पक्ष है कृष्ण पक्ष और दिन है मंगलवार। आज सूर्योदय होगा 6:52 में और सूर्यास्त होगा 5:24 में। आज चंद्रोदय नहीं होगा, लेकिन चंद्रास्त होगा 5:22 में। और आज दिन है 10:32:18 का, और अभी महीना चल रहा है मार्गशीर्ष यानी कि अगहन महीना। और आज आपके लिए शुभ समय है 11:47 से 12:29 के बीच में, और अशुभ काल है 8:58 से 9:40 के बीच में। उसके बाद राहु काल शुरू होता है 2:46 से 4:05 तक, और दिशाशूल है आज उत्तर दिशा की ओर। तो ये था आज का पंचांग। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप जन्म कुंडली के लिए, हस्तरेखा के लिए या आपके लाइफ में कहीं कोई दिक्कत हो उसके समाधान के लिए अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, तो आपके सामने मेरा नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर लें, कॉल बिल्कुल भी ना करें। अगर आप व्हाट्सएप करते हो तो आपकी बात मेरे से हो जाएगी, और अगर कॉल करते हो तो मेरे से बात नहीं हो पाएगी। तो आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप ही करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पूरे विस्तार से। मित्रों, सबसे पहला है धन संपत्ति। इस लिहाज से आज का दिन बेहतर रहेगा, शानदार रहेगा, लाजवाब रहेगा। आज अगर आप अपने कामकाज में धन का निवेश करते हो तो वो निवेश आपके लिए फायदेमंद रहेगा, और उस निवेश के माध्यम से आपको धन का लाभ काफ़ी ज़्यादा होगा। और तो और, आपने आज से पहले जहाँ कहीं भी धन का निवेश किया था उसके माध्यम से भी आज आपको फायदा होगा और धन का लाभ होने वाला है। उसके बाद है आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ज़्यादा बेहतर नहीं है। आज अगर आपको लगे कि आपके स्वास्थ्य में कहीं छोटी सी भी कोई दिक्कत आ रही हो, कुछ भी हो रहा हो, तो उसको आप इग्नोर ना करें और फटाफट आप चेकअप करवाएं, डॉक्टर से मिलें और आप मेडिसिन लें, ताकि आपका स्वास्थ्य ज़्यादा खराब ना हो। अगर आप इग्नोर करते हो तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, इस बात का आप आज ध्यान रखें। उसके बाद है आपका पारिवारिक लाइफ। अगर परिवार में कहीं कोई दिक्कत हो आज, तो आप हालात को काबू में करने के लिए अपने भाई का हेल्प लें, वो आपका हेल्प अवश्य करेंगे, और विवाद को आप ज़्यादा तूल ना दें। उस विवाद को आप बहुत अच्छे से और आराम से सुलझा लें, तो ये आपके आज के पारिवारिक जीवन के लिए बेहतर रहेगा, और परिवार में फिर कहीं कोई दिक्कत उसके बाद नहीं आएगा। अब है आपका प्रेम संबंध। लेकिन उससे पहले, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, वीडियो के नीचे एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दें, और कमेंट करने के बाद आप ऊपर आएं और धनु मकर स्पेशल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ घंटे को ऑल पर ऑन कर लें, और उसके बाद आप वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो देखने के बाद इसे आप हर जगह फैला दो, शेयर कर दो, ताकि हर कोई इसका फ़ायदा उठा सके। तो अब देखते हैं आपके प्रेम संबंध के बारे में। दोस्तों, आज रोमांस आपके दिल और दिमाग पर कब्जा किए रहेगा, छाया रहेगा। रोमांस के लिहाज से दिन बेहतर है, लेकिन दिन में कभी कभी आपका आपके प्रेमी के साथ थोड़ा बहुत नोक झोंक भी हो सकता है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। अगर आप एक व्यापारी हो तो आज आपके व्यापार में आपको फायदा काफ़ी ज़्यादा होगा। अगर व्यापार में आप कुछ नया करना चाहते हो तो वो नया आज आप ट्राई कर सकते हो, ये आपके आज के लिए फायदेमंद रहेगा। और अब है आपका वैवाहिक जीवन। तो ये आज सामान्य तौर पे अच्छा रहेगा, रोमानी वो प्यार से भरा, जहाँ सिर्फ आप और आपके जीवन साथी होंगे, और उसके बाद आप दिन को एंजॉय करेंगे। अब है आपका आज का उपाय। आज सुबह सुबह आप स्नान करने के बाद आप सूर्य देवता को जल दें, ये आपके आज के लिए बेहतर रहेगा, और फिर आपको दिक्कत कहीं कोई नहीं आने वाली है।
तो मित्रों हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय मैया पार्वती, जय सिया राम, भारत माता की जय हो, राधे राधे।